हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय ऐड चैनल गाइस। सो गाइस, आज की स्पीड में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज वैल्यूम एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ वैल्यूम, राइट। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि इमेजेस और कंटेनर क्या होते हैं, राइट। तो चलिए एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा एक्चुअली वैल्यूम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, राइट। तो गाइस, लेट्स से सबसे पहले यहाँ पे एक कमांड में लिखता हूँ डॉकर ps, और यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ मेरे पास कोई भी रनिंग और नॉट रनिंग कोई भी कंटेनर की लिस्ट अवेलेबल नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है, राइट। तो ये दिखाने का मेन पर्पस था। ओके, नाउ मैं अभी एक फ्रेश कंटेनर को स्पिन करता हूँ, लेट्स से डॉकर रन, एंड यहाँ पे लेट्स से उसका नेम दे देता हूँ अपने कंटेनर का, लेट्स से प्रोग्राम, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था बेसिक कमांड्स में। ओके, और इसको मैं डिटैच मोड पे रन करता हूँ लेट्स से, और इसका कोई पोर्ट प्रोवाइड कर देता हूँ लेट्स से P1000 पे, लेट्स स्पिन करते हैं। ओके, एक्सपोज करेंगे NGINX जो कि हमारा इंग्लिश नेम है। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। ओके एंड या डॉकर रन। ओके, सो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे ये रन हो चुका है। चलिए इसको देखते हैं ब्राउजर पे कि ये हमारा कंटेनर स्पिन हो गया बैकग्राउंड में, और चलिए जो कि हमारे CPU को कंज्यूम कर रहा है। एंड नाउ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट भी ब्राउजर पे देखने को मिल रहा है। वेरी सिंपल, राइट, वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो ये दिखाने का मेन पर्पस क्या था? ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सोच रहे होगे। हाँ, बिल्कुल सिंपल है गाइस। दरअसल बात ये है गाइस कि जब भी आप कोई कंटेनर स्पिन करते हैं इन जनरल डॉकर में, क्या होता है कि डॉकर में कोई भी जब भी इंटरेक्टिव मोड में, जैसे कि आप -d किया है जो कि डिटैच मोड में, इंटरेक्टिव मोड में जैसे कि आप जाते हो, लेट्स से कि डॉकर, ठीक है, -exe -it, एंड लेट्स से इमेज नेम प्रोग्राम, आई मीन कंटेनर नेम एंड बैस, ठीक है। ओके, बैस। तो गाइस देख सकते हो इंटरेक्टिव मोड मतलब कि कंटेनर के अंदर हम लोग गए हैं। अब कंटेनर के अंदर कोई भी चेंजेस करने, कोई फाइल क्रिएट करनी, कोई चीज़ ऐड करनी, कोई चीज़ डिलीट करनी है, जो कि लिनक्स बेस्ड कमांड पे सारी चीज़ें होंगी, राइट। बट इसमें क्या होता गाइस, क्वेश्चन ये है कि दरअसल इस केस में जो कुछ भी आप चेंज करोगे कंटेनर में, वो सब कुछ टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी इन द सेंस, लेट्स से कि आप एक नई फाइल ऐड कर रहे हो, कुछ डिलीट कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, या नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो इस कंटेनर के अंदर। ओके, वो क्या होगा, जब तक कंटेनर रनिंग स्टेज में, राइट, तब तक तो वो आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट होकर आपके कंटेनर में जब भी आप रन करोगे ब्राउजर पे, उसका आउटपुट दिखता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंटेनर स्टॉप होगा, आपका सारा सब कुछ, जो कुछ है, वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा, और वो अगेन वो प्रीवियस इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा जैसा था, राइट। सो दिस इज़ अ बेसिकली ड्रॉबैक इन नॉर्मल कंटेनर जो स्पिन करते हो। सो यू कैन से ये टेम्परेरी बेस्ड होती है चीज़ें। ओके, तो वैल्यूम इसी चीज़ को क्या करता, परसिस्टेंसी के पर्पज से, डेटा को परसिस्ट करने के लिए और उनके चेंजेस को परसिस्ट करने के लिए वैल्यूम को हम लोग यूज़ करते हैं, और इससे हम लोग चेंजेस को अचीव कर पाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है बेसिकली। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे कंट्रोल डी करके वापस आते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि दरअसल अभी आपको जो मैंने बोला है कि ये वैल्यूम जो यूज़ होता है, इसका अभी मीनिंग आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या होता है। होस्ट मशीन की फाइल सिस्टम्स मतलब फाइल्स को शेयर कर सकते हैं कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर जो चेंजेस करेंगे वो होस्ट मशीन मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जहाँ भी जिस डायरेक्टरी में फाइल्स रखी होंगी वहाँ पे वो चीज़ें ऐड भी होंगी। मतलब कंटेनर से आप ऐड कर सकते हो होस्ट मशीन में फाइल्स शेयर कर सकते हो, और होस्ट मशीन से आपकी फाइल्स को शेयर कर सकते हो कंटेनर के अंदर। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वैल्यूम। ओके, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, चलिए प्रैक्टिकल कर देते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। नाउ गाइस, मैं क्या करता हूँ, डॉकर सबसे पहले इस कंटेनर को स्टॉप कर देता हूँ और रिमूव भी कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है, डॉकर ps, और यहाँ पे देखोगे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, राइट, या फिर डॉकर ps कर लो, ठीक है, दोनों ही केस में कुछ भी नहीं है। ओके, cls कर देते हैं सिंपली। अब गाइस क्या करता हूँ मैं, कमांड लिखता हूँ डॉकर, लेट्स से यही यूज़ कर लेता हूँ। ओके ओके फाइन, तो यहाँ पे मैंने कंटेनर नेम दे दिया है, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पे ये डिटैच मोड और पोर्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्लैग है v-v, विच इज़ फॉर वैल्यूम, ठीक है, डबल हाइफन वैल्यूम भी टोटल लिख सकते हो, लेकिन हम फ्लैग यूज़ कर रहे हैं -v, विच इज़ वैल्यूम, ठीक है। वैल्यूम करने के बाद यहाँ पे आपको वो पाथ बताना है, पाथ कौन सा पाथ बताना, जिस होस्ट मशीन का पाथ बताना, होस्ट मशीन इन द सेंस, लेट्स से गाइस यहाँ पे मेरे पास एक पाथ है, ये मेरे पास डेस्कटॉप एक फोल्डर है जिसका नेम है न्यू फोल्डर,
ठीक है, आप अपने फोल्डर बना सकते हो डेस्कटॉप डेमोन्स्ट्रेट के पर्पज से, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फॉलो करिएगा। ठीक है, एक न्यू फोल्डर मैंने बनाया, उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज बनाया। इसको मैं एडिट करके दिखा देता हूँ। ओके, ओपन विथ नोट पैड। सो यहाँ पे बेसिक सा पीस ऑफ कोड लिख रखा है जो कि एच टी एम एल का। ठीक है, ओके, मतलब ये एच टी एम एल फाइल डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर के अंदर मैंने बना के रखा हुआ। ठीक है, अब इस फाइल को मैं कंटेनर के अंदर शेयर करना चाहता हूँ, एन जी आई एन एक्स इमेज की जो स्पिन करके कंटेनर क्रिएट करूंगा तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। कैसे पहुंचेगा, ये है वैल्यूम का कॉन्सेप्ट, राइट। तो चलिए इसको लेट से मिनिमाइज करते हैं। ओके, इसको मूव करना है कंटेनर के इनसाइड, कैसे करेंगे। ओके, जस्ट मिनट, क्या करते हैं गाइस, पहले तो इस पर राइट क्लिक करो, इसका पाथ देखो, इसका पाथ क्या, डिटेल्स में जाकर एग्जैक्टली पाथ क्या है गाइस, ये है पाथ। ठीक है, ओके, आज मैंने कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पे आते हैं गाइस, यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट किया। अच्छा, पेस्ट करने से पहले कंट्रोल जे, अच्छा ठीक है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद गाइस इसको डबल कोट में एनक्लोज कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या ऐड किया, हाइफन बी, उसके बाद वो पाथ जहाँ से आप, जिस होस्ट मशीन का पाथ जहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कहाँ पे है, न्यू फोल्डर के अंदर। यहाँ पे फर्दर स्लैश मत लगाइएगा, ठीक है, फर्स्ट फोल्डर बता दीजिए किस फोल्डर के अंदर वाली फाइल्स को आपको पिक करना है और उसके अंदर की डायरेक्टरीज पिक करना, लाइक दैट, सब डायरेक्टरीज। उसके बाद यहाँ पे गैस कोलन, ठीक है, कोलन लगाने के बाद गैस आप ब्राउजर पे आइए, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है थी, यहाँ पे गैस जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग सम सिंपल स्टैटिक कॉन्टेंट। तो बेसिकली हमें कंटेनर के अंदर एच टी एम एल ऐड करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से इतना यूज करना है। ठीक है, कंटेनर के अंदर आपको पाथ बताना है कि कंटेनर के अंदर किस पाथ के अंदर एक्चुअली आप एचटीएमएल फाइल को ऐड करना चाहते हो, राइट। ठीक है, तो एन जी एन एक्स की बेसिक जो फाइल्स हैं एचटीएमएल की, वो इसी पाथ पे है, तो इसलिए इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आर ओ कॉलन, फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ कॉलन आर ओ, ठीक है, इसको आप एज इट इज कॉपी कर दो, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ प्रॉपरली आप देख पाओ। ठीक है, ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है डॉकर रन और डबल हाइफन प्रोग्राम विच इज़ योर कंटेनर नेम, हाइफन वी विच इज़ वैल्यू, और यहाँ पे होस्ट मशीन का पाथ, फिर कॉलन, और उसके बाद ये है कंटेनर के अंदर का जो पाथ वो, और फिर कॉलन आर ओ विच इज़ रीड ओनली। ठीक है, आर ओ स्टैंड फॉर रीड ओनली, और हाइफन डी मतलब डिटैच मोड, एंड उसके लिए पोर्ट मैंने किस पोर्ट पे स्पिन करना है, राइट, और इसके बाद मैंने हिट कर देना। ओके, फाइनली ये इंटर हो गया गाइस। ठीक है, अगर आपके केस में हो सकता है कि साइड में पॉपअप आए, ठीक है, तो वहाँ पे शेयर इट समथिंग कुछ आएगा तो अलाउ कर देना, शेयर इट साइड में राइट हैंड पे आएगा आपके कंप्यूटर मशीन पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आईडी रिटर्न कर दिया, मतलब कि आपका कंटेनर स्पिन हो गया बैकग्राउंड में। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे, अगर गाइस यहाँ पे देखो अभी क्या आउटपुट आ रहा था, डिफॉल्ट रूप से एन जी आई एन एक्स का ये वाला पेज आ रहा था, वेलकम टू एन जी आई एन एक्स। ठीक है, लेकिन हमने नोट पैड पे देखो क्या लिख रखा है, जो कि होस्ट मशीन पे मैंने अपनी फोल्डर में बना रखा है। ठीक है, अगर गाइस मैं इसको यहाँ पे इस बार रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी हियर हेलो डॉकर वैल्यूम। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैल्यूम गाइस। तो देख सकते हो वहाँ का जो फाइल सिस्टम है, होस्ट मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स है, उसको मैंने कंटेनर के पाथ पे उठा के रख दिया है और वहाँ पे शेयर हो रहा है। ठीक है, मतलब आप होस्ट मशीन पे कुछ भी करो, वहाँ का आप कंटेनर के अंदर शेयर कर सकते हो यूजिंग वैल्यूम कॉन्सेप्ट, और थ्रू द वैल्यूम कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो शेयर, यू कैन क्रिएट ऑन होस्ट मशीन सम फाइल्स इन साइड द कंटेनर, थ्रू द कंटेनर, राइट। लाइक कैसे, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। अच्छा गाइज, लेट्स से यहाँ पे एक चीज मैं करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करता हूँ। ओके, लेट्स से प्रोग्राम लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया, और यहाँ पे सिर्फ सेव किया, यहाँ पे चेंज करके मैंने सेव किया। अगर गाइज यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इमीडिएट रिफ्लेक्शन, इमीडिएट यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ वैल्यू, राइट। अब गाइस यहाँ पे समझो, लेट्स से यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा पीस ऑफ कोड है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ गाइस क्या करना है कि लेट्स से कि अभी मैं क्या करता हूँ कि अगर डायरेक्टरी के अंदर जाओगे, लेट्स से इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये जो फाइल्स है इनको इग्नोर करो, अभी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, लेट्स से यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल नाम की एक फाइल में क्रिएट करना चाहते हो, राइट। ओके, तो वो कैसे क्रिएट करना चाहते हो, कंटेनर के थ्रू, कंटेनर के अंदर रहकर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डॉकर exe माइनस आई टी विच इज इंटरेक्टिव मोड,
एंड यहाँ पे एक कंटेनर नेम हमारा क्या है, प्रोग्राम जो कि मैंने दिया, और यहाँ पे बैस, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर आ गए, आपको लिखना है ls hyphen a all, ठीक है। यहाँ पे ये सब लिनक्स बेस्ड कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यूज़ करना कि किस कमांड किस डायरेक्टरी के अंदर पहले जाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बताई थी यूज़र शेयर nginx html, तो हमें इसके अंदर जाना होगा गाइस। तो लेट्स से इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे गाइस क्या करते हैं, पहले cd और पेस्ट करते हैं। ओके, लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देता हूँ यूज़र स्लैश शेयर एंड स्लैश nginx स्लैश html, इंटर, राइट। हम उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आ गए, तो ये सब कुछ कंटेनर के अंदर में कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद गाइस क्या करना है, यहाँ पे फिर से ls hyphen a all करना है गाइस। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको सारी फाइल्स दिख रहे हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ए बी सी डॉट सी एस वी, ये सब कुछ दिख रहा है, राइट। जो कि मैंने यहाँ पे फोल्डर में दिखाई, ये सारी फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं, यू कैन सी हियर, राइट। अब इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, लेट्स से। तो फाइल लेट्स से मैंने कहा टच एंड कॉन्टैक्ट, मैंने बोला कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ थ्रू द कंटेनर, होस्ट मशीन पे क्रिएट करने वाला। जैसे मैंने हिट किया, यहाँ पे आपको मैसेज देखने को मिल रहा है, टच कैन नॉट टच यू नो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल रीड ओनली फाइल सिस्टम, बिकॉज ये क्यों नहीं हो पाया, जैसा कि मैंने बताया गया, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कॉलन डॉट आर ओ, इसका मतलब है रीड ओनली ऑपरेशन। आप रीड कर सकते हो लेकिन उसके अंदर राइट कुछ नहीं कर सकते हो। तो करना है क्या गाइस, यहाँ पे इसको कंट्रोल डी वापस करो, और अगर आपको राइट भी करना है समथिंग, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट मिनट पहले तो स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव करके। एंड फिर से मैं क्या करता हूँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ पे आरू को हटा दो, ठीक है। एंड देन अगर रन करोगे गाइस, तो अगर अभी भी रन तो हो ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रन हो रहा होगा, ठीक है। और अगर गाइस अभी फिर से इंटरेक्टिव मोड में आते हैं, एंड यहाँ पे गाइस फिर से आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको cd यूज़र यूज़र एंड शेयर शेयर nginx html html, एंड यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, टच टच कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अच्छा, इसको इंटर करने से पहले मैं दिखा देता हूँ, डायरेक्टरी पे कोई भी अभी कॉन्टैक्ट नाम की कुछ भी नहीं गाइस, अगर रिफ्रेश करते तो कुछ भी नहीं है, राइट। और अगर मैं गाइस इस बार फिर से हिट करता हूँ, तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, और हिट हो गया। और अभी फिर से डायरेक्टरी पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं गाइस, लेट्स से रिफ्रेश किया, तो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम का आ चुका है। तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ यू कैन से वैल्यूम, और यहाँ पे कंट्रोल यू नो डी करके वापस आ सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही वॉल्यूम से रिलेटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।